तो अभी मैं चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। और आज मैं इसमें डिस्कस करूँगा लॉरेंज फोर्स, ठीक है, लॉरेंज फोर्स है ना। तो एक्चुअली ये जो लॉरेंज फोर्स है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको दोनों फील्ड अवेलेबल होता है, वेक्टर ई और वेक्टर बी, बोथ ई भी रहेगा और वेक्टर बी रहेगा, ठीक है। आपका इसका पता है कि एफ इज इक्वल टू की वी होता है, इसमें वेक्टर भी से कोई मतलब नहीं है, ये रहे या नहीं रहे फोर्स लगेगा, ठीक है। लेकिन ये जो होता है एफ एम जो होता है वो क्यू वेक्टर वी क्रॉस बी, अगर वी जीरो होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअली लॉरेंज फोर्स क्या है, आपका नेट फोर्स है जब दोनों फील्ड अवेलेबल हो, मतलब वेक्टर एफ इज इक्वल टू की वी प्लस क्यू वी क्रॉस बी, या एफ इज इक्वल टू एफ ई है ना एन प्लस एफ एम, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा और ये वेलोसिटी इनडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अवेलेबल होता है, ठीक है। अब जैसे एक इसमें टॉपिक आता है वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर मतलब तुम्हारा वेक्टर ई भी है, वेक्टर बी भी है और एक चार्ज है क्यू, और इसको ऐसा स्पीड देना है कि इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो, नो डिफ्लेक्शन, मतलब आपका ये दोनों फोर्स कैंसिल करना चाहिए, ठीक है। लॉरेंज फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, ये मिल के क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये मॉड ऑफ वी कितना होगा, इसको कैसे आप प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है ना। वेक्टर ई एंड बी कैसे आपका अरेंज होगा, ये हम लोग को समझना है, ठीक है। आ रही बस समझ में। तो इसमें तुम्हें जो आपको देखो ऐसा है, एफ इज इक्वल टू की वी एन प्लस क्यू वेक्टर वी क्रॉस बी, राइट। तो एफ तो जीरो करना है अपन, है ना। तो की वी इज इक्वल टू की वी इज इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी, या अगर मैं ऐसा सोचूं, देखो आप मान लो कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, या आप ऐसा सोचो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ले रहे हो आई में, तो भी और बी ऐसा सेट करना है कि वो ये जो क्यू भी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन हो, आप इस तरीके सोचिए, ये ले लो आप आई में, ठीक है, और ये आप ले लो भी को, अगर भी को आप लेते हो जे में और क्यों जे क्रॉस आई हो जाएगा, तो आप ऐसा करो कि इसको भी को ले लो आप जे में और बी को माइनस के, क्योंकि जे क्रॉस के क्या होता है, आई कैप होता है, ठीक है। तो ये फिर आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, और ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये क्यू भी बी होगा। देख लो मैंने कैसे अरेंज किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को अंदर में, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है ना, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, और प्लस क्यू चार्ज को इस तरीके से फेंकेंगे। तो ये जा रहा है तुम्हारा किस में, आई में, ये माइनस के में, और ये जा रहा है जे में, मतलब ये क्या है कि तीनों आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जाकर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ओके। और बोलो पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, वो जे में ही जाएगा, ऐसे जाएगा, नो डिफ्लेक्शन, ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, नो डिफ्लेक्शन। और मैग्नीट्यूड वाइज की वी इज इक्वल टू क्यू भी बी, तो ई इज इक्वल टू हो गया भी बी, या भी इज इक्वल टू ई बाई बी। तो इसी वेलोसिटी को हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस पर रिजल्ट पर क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरह से कैसे एनालाइज किया जा रहा है वो आपका मेन इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा बात है कि अगर मान लो कोई आपको डायमेंशन पूछ दिया ई बाई बी, तो आप अलग से ई और बी का नहीं निकालेंगे, ये भी के बराबर है, ठीक है ना। तो आपको इसे बी का भी निकल जाएगा इजीली, तो ये एल वन टी माइनस वन, ठीक है। अब ये बी इज इक्वल टू ई बाई वी, तो इसका न्यूटन पर कूलम और मीटर पर सेकेंड, मतलब काफ़ी ये यूजफुल है इसका एनालिसिस, ठीक है।
और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका एक डिवाइस होता है साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन होता है, आपको उसमें इसी लॉरेंज फोर्स पर बेस्ड होता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन है ना, एक्चुअली ये एक डिवाइस है जो कि खास करके पॉजिटिव चार्ज को हाई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड हाई काइनेटिक एनर्जी, या बोले तो हाई स्पीड, ठीक है, टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्चुअली, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जनरली क्या होता है कि जब स्पीड पकड़ता है, मतलब जो एक्सेलरेट करेगा तो वो रेडिएट करने लगता है, तो उसकी एनर्जी लॉस होने लगती है, तो जनरली ये पॉजिटिव के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये लॉरेंज फोर्स पर बेस्ड है ये डिवाइस। और एक और इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर आर चेंज हो रहा है, भी चेंज हो रहा है, खास करके जब आपका भी परपेंडिकुलर टू बी हो तो फोर्स क्यू भी होता है, लेकिन टाइम पीरियड जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड वी होता है। ये भी इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो ये आपका भी परपेंडिकुलर टू बी तो पाथ क्या होता है, सर्कल होता है, ये भी कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो अब इसका देखो, हम लोग जो डिवाइस होता है उसको मैं आपको, इसमें दोनों फील्ड अवेलेबल कराया जाता है, और मैं इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। डिवाइस एक्चुअली सिलेंडर टाइप का होता है, इसमें डी चैम्बर यूज किया जाता है, जैसे कि शू पॉलिश का जो, मतलब इस तरह से डी चैम्बर बोलते हैं, इस तरह से एक चैम्बर टाइप का ऐसा, ठीक है, ये आपको डी चैम्बर बोलते हैं, कुछ ऐसा डी चैम्बर होता है जो शू पॉलिश का जो ये उसका जो पैकेट होता है, बॉक्स होता है, उसको हाफ कट कर देंगे तो। और ये टॉप व्यू है, ठीक है, टॉप व्यू मतलब ये आप ऐसे ऊपर से ऐसे करके देख रहे हैं, टॉप व्यू। और इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर है, मतलब ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये मतलब इधर प्लस और माइनस बदलते रहेगा पीरियोडिकली, मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और टॉप व्यू है, और इसमें मैग्नेट इक्विप्ट किया जाता है, इसमें ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब ये देखना हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ प्लस क्यू चार्ज है मान लो, अब ये तुम इसको अभी रेस्ट में रखे हो, छोड़ोगे तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ये प्लस और माइनस, तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड में घुस जाएगा। और देखो अभी भी क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर टू बी है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा क्यू भी बी, और पाथ सर्कल हो जाएगा, तो ये आपको इस पर ऐसे जाकर ये मुड़ जाएगा, और जैसे ही ये इधर आएगा ना यहाँ चैम्बर का एज पर आएगा, तब फिर ये तुम्हारा ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना रास्ता बदल लेगा और वो उसको फोर्स लगा देगा, एफ इज इक्वल टू की वी, है ना। ये ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली सिर्फ टर्निंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि एफ जो होता है, एफ एम जो होता है, ये जो ऑलवेज परपेंडिकुलर बी एंड बी बोथ होता है, तो जब ये आपको परपेंडिकुलर होगा तो कोई वर्क नहीं करता, सिर्फ डिफ्लेक्शन देता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है की वी आपको ये फोर्स लगाएगा, एनर्जी देगा, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, और फिर जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो इसको घूमेगा, तो ऐसे बार बार क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको स्पीड देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा, भी बढ़ेगा, लेकिन टाइम पीरियड जो होता है 2πm/qb ये कॉन्स्टेंट रहेगा। और ये हम लोग इसका जो फ्रीक्वेंसी सेट करके रखते हैं, ठीक है ना, ये फिक्स रहता है, तो इसलिए क्या होता है कि एक बार इसको सिंक्रोनाइज कर दिया गया तो ये हर बार हर हाफ इसमें आपको एनर्जी मिल रहा है, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर बोलते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि एक बार सेट कर दिए तो आपको बार बार ये एनर्जी मिलेगा, और ऐसे करते 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 एकदम जा कर के ये चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और एक यहाँ पर विंडो जैसा होता है, यहाँ से निकलेगा, इसे खासकर न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होता है, जैसे कोई न्यूक्लियस कोई एलिमेंट को बम्बार्डिंग करते हैं, ठीक है ना, जैसे आपने सुना होगा गोल्ड फॉयल, तो जो चार्ज पार्टिकल को हम
अल्फा चार्ज पार्टिकल का बम्बार्डिंग करते हैं गोल्ड फॉयल पर, तो वो हाथ से नहीं करते, ये मशीन से किया जाता है। अब यहाँ पर गोल्ड फॉयल लगा देंगे, वो स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, मतलब कि आपका भले आर बढ़ रहा है, मतलब इसमें पाथ जो होगा स्पाइरल टाइप का ऐसे ऐसा होगा और बहुत हाई स्पीड पकड़ लेगा, ठीक है। आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, वी इज इक्वल टू आर क्यू बाई एम, काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर, और जो एफ होगा वो क्यू बी बाई 2πm। तो ये हो गया आपका साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे देखा जाए तो ये तो डिवाइस है, लेकिन बेसिक ये लॉरेंज फोर्स पर ही बेस्ड है, राइट। तो ठीक है, ये अपना हम लोग का जो मैग्नेटिक इफेक्ट का फर्स्ट पार्ट ये डिस्कस हो गया। अब सेकेंड पार्ट हम लोग जो डिस्कस करना है कि ये वेक्टर भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वायर के लिए, स्ट्रेट वायर हुआ, लूप हुआ, सर्कल हुआ, सोलनॉइड हुआ, टोरॉइड हुआ, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर तरह तरह से वो वेक्टर भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें बायोट और आपका एम्पियर डिस्कशन होने वाला है, ठीक है, ओके।